अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? खैरियत है? अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर लाजमी कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो है एडेनियम। एडेनियम की जो ये सीड की फली होती है ना, इसको किस तरह सेफ करते हैं? अगर ये सीड इसमें से पक के अगर बाहर आ जाते हैं तो इसमें हवा अगर चलती रहे तो वो उसके साथ कहीं और पहुंच जाते हैं, तो इसको सेफ करने का आपको एक तरीका बताता हूं मैं। इसका आसान सा तरीका है, कोई भी आप थ्रेड ले लें तो इस फली के ऊपर, ये जो सी फली है ना इसकी, इसको सेफ करना है। इसमें इसके सीड है तो इसको सेफ करना है। जब ये पक जाती है और खुल जाती है तो फिर इसके जो सीड है ना सारे आगे पीछे हो जाते हैं, कोई परिंदा खा लेता है उस सीड। इससे खुलने से पहले इसके ऊपर ये थ्रेड इस तरह करके रोटेट कर दें, ज़्यादा टाइट नहीं करना, बिल्कुल लूज रहे। इस तरह करने से आपके एक तो ये सीड सेफ रहता है, सेफ ख़राब नहीं होता, सीड ज़ाया नहीं जाता। तो क्योंकि ये एडेनियम काफ़ी महंगे होते हैं, इनके जो सीड है फिर उतना ही केयरफुल करना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है इनकी कि ज़ाया ना हो। ऐसे बिल्कुल लूज़ लूज़ आपने थ्रेड बैठना है, तो ये देखिए इस तरह। इसी तरह ये दूसरी इसकी फली है सीड की, इसको भी इसी तरह थ्रेड की मदद से करते हैं। इतना सही काम है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका जो सीड तैयार हो जाएगा। ये सीड ये इस तरह के हमने तैयार किए हैं अपने एडेनियम इस टाइप में, इनकी रूट लंबी करने के लिए ये मेटल यूज़ किया हुआ है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।